बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम फजर किचन ने बना रहे कश्मीरी दम आलू, जो कि बहुत इजी रेसिपी। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। कश्मीरी दम आलू, जिसके लिए हमने ये अज्जा लिए हैं, 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 तेज़पात, दरमियाने साइज़ के 1 किलो आलू जिसको हमने हल्का हल्का बॉईल कर लिया, नमक डाल के छिलकन का हमने रिमूव कर दिया। चले बनाना स्टार्ट करते हैं कश्मीरी दम आलू। कांटी की मदद से हम इस तरह से कर लेंगे तमाम आलू। इस तरह से हम सुराख कर लेंगे ताकि मसालन के अंदर जब सोचे सुराख कर लिए। एक पतीला हमने हल्की फ्लेम पर चढ़ा लिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल 1 कप। अब इसमें आलू ऐड करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पर। माशाल्लाह आलू फ्राई हो चुके हैं, हल्के हल्का सा इनके ऊपर कलर भी आ चुका है। आलू फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। दाल में 1 तेज़पात, हमारे छोटे हैं तो हम 2 ऐड करेंगे, अगर आपके बड़े हैं तो आप 1 ऐड करें। गरम मसाला 1 चम्मच ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, टमाटर। अब इसमें ऐड करेंगे खुश मसाले जो कि यूं हैं, 1/2 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, हल्दी 1/2 चम्मच, मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मोटी मिर्च, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 चम्मच, मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब हमारा मसाला भून चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे आलू जो हमने फ्राई कर लिए थे और अब मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से ग्रेवी के साथ आलूओं को। माशाल्लाह हमारे कश्मीरी दम आलू कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो रहे हैं, इतने अमेजिंग लग रहे हैं, खाने में भी इंशाल्लाह इतने ही अमेजिंग होंगे। कश्मीरी दम आलू अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अब इन आलूओं को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। हमारे आलू अच्छे तरीके से भून चुके हैं, अब इसमें ऐड करेंगे पानी तकरीबन 1 गिलास शोरबे के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे सब्ज धनिया। आलूओं को 5 मिनट तक ढक देंगे हल्की आंच पर। बादाम को 5 मिनट हो चुके हैं, ऐड किया बादाम का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, और हरा धनिया गार्निश के लिए। अब चूल्हा कर देंगे बंद, 1 मिनट रेस्ट देंगे और फिर हम इसको कर लेंगे डिश आउट कश्मीरी दम को। माशाल्लाह हमारे कश्मीरी दम आलू तैयार हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट तैयार हुए हैं। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मेरे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रिगिमान।